गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाई सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज. टुडे दिस वीडियो इज फॉर क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू नरेट यू द चैप्टर द स्टोरी विद ग्रीन थम्स, चैप्टर नंबर 7, इंग्लिश लिटरेचर. ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर इज विद ग्रीन थम्स, चैप्टर नंबर 7. ग्रीन थम्स, आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा ग्रीन का मतलब, कि इस चैप्टर में कुछ हरियाली की बात हो रही है, होने वाली है, कुछ प्लांटेशन की बात होने वाली है ना. बिकॉज इन जुलाई मंथ देर इज़ द प्लांटेशन डे ऑल्सो, और बारिश का महीना होता है, प्लांट लगाते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाते हैं, तो प्लांट्स आपके लग भी जाते हैं, आपके धीरे धीरे से ग्रो करने लगते हैं. तो दिस चैप्टर इज़ रिटन बाई रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड, मिस्टर रस्किन बॉन्ड इज़ ए फेमस ऑथर, अ फेमस राइटर who write for children, बच्चों के लिए लिखते हैं. There are so many famous stories and chapters are there for children, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें वो लिखते हैं, stories बच्चों के level की, बच्चों के mental level के लिए, बच्चों के mental development के लिए बहुत सारी stories लिखते हैं. वो stories हैं, essays हैं, और बहुत सारी चीज़ें. So open your chapter number 46. Warm up. Do you like hills? What do you like or dislike about them? Share your responses in class. बच्चों, have you gone ever on hills? क्या आप पहाड़ों पर कभी गए हैं? पहाड़ों पर आपने छुट्टियाँ बिताई हैं गर्मी की छुट्टियों में? आपको कैसा लगता है? आपको ध्यान सकता है कि पहाड़ों का जो जीवन है कितना अच्छा लगता है. वहाँ कभी गर्मी नहीं पड़ती, यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, पसीना आता है लोगों को, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और पहाड़ों में तो हमेशा ठंडक रहती है. बट स्टूडेंट्स, द पीपल लिविंग इन हिली एरियाज हैव ऑल्सो सो मैनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग देयर डेली लाइफ एंड सो ऑन. बहुत सारी चीज़ें उनके साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर जगह उनको मार्केट भी जाना है, तो ऊँचाई पर उतर के जाना है, चढ़ के जाना है, सब चीज़ें है ना. तो जिनको अगर हेल्थ इश्यूज़ होंगे या कोई प्रॉब्लम होगी, तो सीधा चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में, वैसे पहाड़ों पर भी चढ़ने में दिक्कत होती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें, या कभी कोई बड़ा काम हुआ, बड़ी मार्केट हुई, तो उनको दूर जाना पड़ता है, प्लेस पर आना पड़ता है, मार्केट में आना पड़ता है ना. चलिए देखते हैं, शेयर योर रिस्पॉन्सेस इन क्लास. और इस चीज और इस चैप्टर में जो ऑथर है आपके मिस्टर रस्किन बॉन्ड, वो कहाँ पे अपने होम गार्डन, अपने घर के अंदर वो एक गार्डन बनाते हैं, यानी इनसाइड गार्डन, आपके घर के अंदर गार्डन बनाते हैं. ठीक, चलिए ये पढ़ते हैं. एंजॉय द स्टोरी. रीड दिस स्टोरी अबाउट द नरेटर एंड आई ऑलवेज से टेक आउट योर पेंसिल. रीड दिस स्टोरी अबाउट द नरेटर हु लव्स प्लांट्स एंड फ्लावर्स. फाइंड आउट हाउ ही केम टू बी नोन एज द प्लांट डॉक्टर. ये स्टोरी किसके बारे में है? नरेटर. नरेटर मीन्स कहानी बताने वाला. इसमें जो राइटर है आपके रस्किन बॉन्ड, वो अपने लिए कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं? नरेटर. नरेटर मीन्स कहानी बताने वाला, कहानीकार, कहानी बताने वाला. तो इस चैप्टर में जो नरेटर है, नरेटर को प्लांट्स और फ्लावर्स से बहुत प्यार है. ही इज़ द प्लांट लवर, नेचर लवर है ना. फाइंड आउट हाउ ही केम टू बी नोन एज द प्लांट डॉक्टर. और आइए पढ़ते हैं कि कैसे आगे चल के वो कैसे प्रसिद्ध हुए. हाउ ही बिकेम फेमस एज ए प्लांट डॉक्टर, प्लांट के डॉक्टर के रूप में वो कैसे फेमस हुए. चलिए पढ़ते हैं. सम प्लांट्स बिकम फ्रेंड्स. कभी कभी बच्चों क्या होता है, जैसे होता नहीं, आप लोग एनिमल से दोस्ती कर लेते हो, आप घर में बैठ सकते हो, दे आर ऑल्सो योर वेरी गुड फ्रेंड्स है ना. सो द प्लांट्स आर ऑल्सो योर गुड फ्रेंड. प्लांट्स भी आपके गुड फ्रेंड आप, बिकॉज यू स्पेंड टू मच टाइम विद देम. उनके साथ आप समय बिताते हैं, उनके साथ देखभाल करते हैं, और कभी कभी तो आप प्लांट से बातें भी करते हैं, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, आपकी फीलिंग उसके साथ जुड़ी हुई है, तो आपको लगता है कि वो भी आपसे बात करता है. एंड दे डोंट हैव टू बी स्पेक्टेकुलर डालियाज और फ्रेग्रेंट रोजेज इन ऑर्डर टू डू सो. और आपको लगता है कि अगर प्लांट से आपको फ्रेंडशिप करनी है, तो उसके लिए आपको ये नहीं चाहिए, स्पेक्टेकुलर मीन्स वंडरफुल,
आपको डहलियाज को सुंदर सुंदर फूल चाहिए उसके लिए, या ब्यूटीफुल रोजेस चाहिए आपको उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं। आप एक सिंपल सा कोई प्लांट, लीफी प्लांट लीजिए, कोई जिसके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं, है ना। मोस्ट गार्डन फ्लावर्स आर समर फ्रेंड्स, और हमारे गार्डन के बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो हमारे समर, गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं उसको वो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। गॉन इन विंटर विन टाइम आर डिफिकल्ट अप हेयर इन द माउंटेन्स। अब चूँकि जो रश्किन बॉन्ड है, नरेटर है, वो कहाँ रहते हैं, मसूरी में। मसूरी पहाड़ी है, पहाड़ों की रानी बोली जाती है बहुत, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सुंदर जगह है। आई ऑल्सो हैव विजिटेड देयर, मैं भी जा चुकी हूँ वहाँ, और उस जितना बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे, तो आई हैव ऑल्सो अ वेरी क्रेजी एक्सपीरियंस, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ जाने का, बहुत अच्छा था। तो विंटर्स में पहाड़ों पे मौसम बहुत, क्योंकि हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो प्लांट्स के लिए, कुछ प्लांट्स के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। दोज हु स्टैंड बाई यू इन एडवर्सिटी, प्लांट और ह्यूमन आर योर ट्रू फ्रेंड। बच्चों एक कहावत होती है, जो विपत्ति में यानी हमारे बुरे समय में जो हमारे साथी होते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। That are the true friends, those who stand by us in our bad time, in our difficult time and in our adversity. Adversity means विपत्ति का समय, बुरा समय। There are never many of them around, so cherish them while you can, take care of them in all season. इसलिए हमेशा अपने आसपास के जो प्लांट्स हैं उनको हमेशा आप उनकी देखभाल करते रहते हैं, उनकी सेवा करिए, उनसे फ्रेंडशिप करिए, ताकि वो फलते फूलते रहें। पैराग्राफ नंबर 2, माय बेस्ट प्लांट फ्रेंड मस्ट बी द ऑरेंज ट्री। अब नरेटर राइटर का बेस्ट फ्रेंड कौन सा प्लांट बना, ऑरेंज ट्री। कैसे बना, आई ग्रीव इन माई बेडरूम। अब देखिए राइटर ने, नरेटर ने अपने बेडरूम में ये प्लांट उगा लिया। ये देखिए पिक्चर है ना, ये देखिए ये फ्लावर पॉट है, उसमें एक वो जैसे गमला होता है, वास होता है, फ्लावर पॉट है, उसमें उसने पॉट के अंदर ही ट्री उगा लिया है, ऑरेंज ट्री, है ना। यू कैन नॉट ग्रो एन ऑरेंज ट्री आउटडोर एट 7,000 feet द हिमालय। और देखिए उसको, चूँकि वो प्लांट लवर है, तो उसने एक गमले में ऑरेंज ट्री उगा लिया, और आप 7,000 feet की ऊंचाई पे भी नहीं उगा सकते हो, हिमालय पे नहीं उगा सकते हो, कैसे होगा वो। एंड व्हेन आई पुश्ड एन ऑरेंज सीड इनटू एन एम्प्टी पॉट, उसके पास एक एम्प्टी, एक खाली गमला था, उसमें मिट्टी थी, उसने क्या किया, ऑरेंज कभी खाया होगा, और ऑरेंज की सीड को उसने उसी मिट्टी में दबा दिया। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन, ऐसे मजाक मजाक में, जैसे नहीं हम लोग बचपन में जैसे छोटे थे, आप लोग छोटे होते हैं तो कोई चीज़ बो देते हैं कि अब इसमें प्लांट निकलेगा, तो कभी वो प्लांट निकल भी आता है। अक्सर आप लोग आम की बीजी गुठलियाँ इधर तो डाल दीजिए तो आम की वो निकल आते हैं, सैपलिंग्स से निकल आते हैं धीरे धीरे, है ना। तो राइटर ने ये नहीं सोचा था कि ये ऑरेंज का सीड मैंने बो दिया है इसलिए कुछ होगा, लेकिन बट अ मंथ लेटर इन द स्प्रिंग, अब जाड़े के बाद बच्चों कौन सा मौसम आता है, स्प्रिंग, बसंत का महीना आता है, तो आई फाउंड अ टिनी ऑरेंज ट्री एंड पॉप्ड अप थ्रू द सॉयल। पॉप्ड अंडरलाइन करिए, जब उसने देखा कि एक छोटा सा ऑरेंज ट्री झांक रहा है धीरे धीरे। आपने कभी देखा बहुत छोटा सा सीड बीज से प्लांट बनने लगता है, बहुत छोटी छोटी सी टिनी लीव्स, उसकी छोटी छोटी सी पत्तियाँ बाहर आने लगती हैं, मिट्टी से झांकने लगती हैं, वही हाल इस ऑरेंज ट्री का था। इट्स लीव्स ग्लिस्टनिंग इन द मॉर्निंग सनशाइन, अब जब मॉर्निंग में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इसकी जो पत्तियाँ थी ग्लिस्टनिंग मीन्स दे वर शाइनिंग, और क्या कर रही थी, शाइन कर रही थी। व्हाई डू यू थिंक द नरेटर सेज दैट वन कैन नॉट ग्रो एन ऑरेंज ट्री आउटडोर एट 7,000 feet इन हिमालयाज, यानी राइटर ऐसा क्यों कह रहा है कि हिमालय में इतनी ऊंचाई पे भी ये ऑरेंज ट्री नहीं रख सकता, क्योंकि कभी कभी हम उसकी मतलब बहुत देखभाल करते हैं, बहुत चीज़ें, लेकिन कोई कोई पेड़ नहीं लग पाते, लेकिन इट वॉज बाई चांस दैट दिस ट्री वॉज ग्रोन। ओके, दैट वॉज 5 years ago एंड नाउ इट इज़
3 feet tall. और अब ये कितना, ये 5 years पुरानी बात होगी जब मैंने ऑरेंज ट्री लगाया था. एंड नाउ इट्स 3 feet tall. अब ये कितना ऊंचा हो गया, 3 feet. 3 feet ऊंचा हो गया, लंबा हो गया है. अ स्लो ग्रोअर इन माई बेडरूम. अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लो ग्रोअर. देखिए खुले में रखा रहेगा तो वहाँ ज़्यादा उसको रोशनी मिलेगी सब चीज़, लेकिन अब बंद में रखा हुआ है तो धीरे धीरे ग्रो करेगा वो बेडरूम के अंदर. बट आई डेयर नॉट लीव इट लॉन्ग आउटसाइड एक्सेप्ट फॉर अकेजनल वाटरिंग एंड सन बाथिंग. लेकिन मैं इसको अकेजनली कभी कभी मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के सन बाथ, मेरी धूप निकलती है थोड़ी देर के लिए जब मैं घर पे रहता हूँ, तो इसको धूप दिखाने के लिए कि इसको सनलाइट ज़रूरी है और प्रॉपर वाटर, क्योंकि बेडरूम के अंदर आप पानी डालोगे तो पानी बाहर से बहेगा, तो कभी कभी वो इसको अच्छे से पानी देने के लिए और सूरज की रोशनी देने के लिए उसको बाहर निकालता है. किसको? ऑरेंज ट्री को. देन लास्ट मंथ न्यू शूट्स अपीयर्ड एंड व्हेन आई प्रेस द लीव्स बिटवीन माई हैंड्स they give out an orange scented tang, a very pleasant way in which to begin the day's writing. अब देखिए राइटर डेली का अपना एक्सपीरियंस लिखता है कि जो जो वो करता है उसको सारा अपना लिखता है. तो लास्ट मंथ उसने जो देखा कि पिछले महीने उसने जो देखा उस ऑरेंज ट्री में क्या निकली, उस ऑरेंज ट्री में शूट बच्चों जानते हो जो स्टेम का पार्ट होता है प्लांट का, दैट इज कॉल्ड शूट. रूट होती है, रूट में आपकी जड़ होती है, रूट से जो ऊपर का आपका स्टेम वाला पार्ट होता है जिसमें आपकी ब्रांचेस निकलती है, लीव्स निकलती है, बर्ड्स निकलती हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड शूट. तो न्यू शूट अपीयर्ड एंड व्हेन आई प्रेस द लीव्स बिटवीन माई, और मैंने एक पत्ती तोड़ के अपने हाथ में से रगड़ के देखा उसको, उसमें से कैसी स्मेल आ रही थी, ऑरेंज जैसी, क्योंकि वो ऑरेंज का ट्री था इसलिए उसमें ऑरेंज जैसी स्मेल आ रही थी. दे गिव आउट एन ऑरेंज सेंटेड टैंग. टैंग की मीनिंग देखिए, अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल. टैंग एक आपका ड्रिंक भी आता है, शरबत बना के आप पीते हैं टैंग का, तो टैंग मीन्स एक स्वीट स्मेल. कोई खाने पीने की चीज़ हो उसकी जैसे स्वीट स्मेल आती है वही चीज़ टैंग कहलाती है, उसका अच्छा टेस्ट होता है. जैसे नहीं टेस्टी टेस्टी चीज़ों की स्मेल अलग सी होती है. अ वेरी प्लीजेंट वे, और ड्राइवर को इतना अच्छा लगा, इतना प्लीजेंट उसको फील हुआ, इतना अच्छा, ही बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द ऑरेंज ट्री वाज ग्रोइंग. और उसने उस दिन की शुरुआत कैसे की, उसी प्लांट के बारे में लिखने से शुरुआत की. नेक्स्ट पैराग्राफ, अनदर गुड फ्रेंड इज द ईवी दैट हैज स्प्रेड ऑल ओवर माई बेडरूम वॉल. ईवी प्लांट, अ प्लांट दैट यूजली ग्रोज ऑन वॉल्स. बच्चों जैसे मनी प्लांट नहीं होता है, इसको आईवी प्लांट कह सकते हैं, ईवी प्लांट जो भी आप बोलें. मनी प्लांट देखते हैं, हैंगिंग प्लांट होता है, जैसे कुछ क्लाइंबर्स, आपने साइंस में ईवीएस में क्लाइंबर्स पढ़े होंगे ना, क्लाइंबर्स द प्लांट्स दोज आर वेरी वीक इन स्टेम, दोज नीड टू अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप, जिनको एक सपोर्ट चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, है ना. तो वो प्लांट उसने लगा रखा था, वो उसकी सारी बेडरूम की वॉल, देखिए आपको पिक्चर देख रहे होंगे आपने, देखिए उसकी मनी प्लांट की तरह ये प्लांट उसकी पूरी दीवारों पे सपोर्ट पाके चढ़ता जा रहा है, है ना. आईवी प्लांट सीम टू लाइक माई होम एंड दिस वन विच आई ब्रॉट अप फ्रॉम देहरादून. और देहरादून ये प्लांट राइटर कहाँ से लेके आया था, देहरादून से लेके आया था. देहरादून मसूरी काफ़ी ऊंचाई पे, देहरादून उससे नीचे है, देहरादून से, वेयर द क्लाइमेट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मसूरी टुक एन इंस्टेंट लाइकिंग टू माई बेडरूम वॉल. अब चूँकि देहरादून से लाया था उसको ये चिंता भी थी कि देहरादून का क्लाइमेट, वहाँ का मौसम दूसरा है, जलवायु दूसरी है, वहाँ की दूसरी है, पता नहीं ये प्लांट लग पाएगा नहीं लग पाएगा, लेकिन वो प्लांट लग गया. आई डू नॉट हैव एन आउटसाइड गार्डन, द हिल साइड इज टू स्टीप फॉर एनीथिंग. अब बच्चों ऐसा होता है कि वो नरेटर था जो रस्किन बॉन्ड थे, उनके पास कोई घर के बाहर कोई आउटसाइड गार्डन नहीं था, क्योंकि पहाड़ों पे घर बनाना बहुत मुश्किल होता है और पहाड़ बहुत ऊंची ऊंची खाइयाँ होती हैं तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है. बट द स्टडीज ऑफ श्रब्स, स्टडीज को होता है स्ट्रॉगेस्ट, बट देर आर ए नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन. लेकिन क्या होता है कि उन पहाड़ियों पर भी, जबकि गार्डन नहीं था लेकिन पहाड़ियों पर भी एक से एक स्ट्रॉन्ग ट्रीज लग जाते हैं, जैसे देवदार वगैरह के पेड़ हैं,
पहाड़ी जो हिल्स पे पेड़ होते हैं वो भी लग जाते हैं वहाँ पे. बट देयर आर अ नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन हियर नियर द विंडो. और अक्सर क्या होता है, विंडो के पास भी, पहाड़ी के बीच में घर होता है तो विंडो के पास भी कोई प्लांट लग जाते हैं अपने आप से. और उसके घर में विंडो के, विंडो के ऊपर प्लांट लगे हुए थे, कबर्ड के ऊपर फैलते जा रहे थे, एंड बॉक्सेस एंड बिहाइंड द चेयर्स, एंड इवन जो घर में चेयर्स होती फर्नीचर उसके ऊपर भी जो प्लांट्स होते हैं, हैंगिंग प्लांट्स थे जो लटकने वाले प्लांट चढ़ने वाले होते हैं, वो सब उसके ऊपर सपोर्ट लेके चढ़ रहे थे, फर्नीचर के ऊपर, दीवारों के ऊपर, विंडो के ऊपर. किसके घर में? राइटर के घर में. रग्स आर रूड एंड सो इज फर्नीचर. और रग्स मीन्स लकड़ी के भी जितने सामान थे सारे वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, क्योंकि अब घर के अंदर जब गार्डन लग जाएगा तो भाई गार्डन में गंदगी तो होगी, प्लांट जिसका सपोर्ट की दीवारें भी आपकी रफ हो जाएंगी, फर्नीचर भी आपका रफ हो जाएगा. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. चैप्टर नंबर 14 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, इस पेज तक. पेज नंबर 47 पेज नंबर 47 आपका कंप्लीट हो गया है. एंड पेज नंबर 48 आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज दिस चैप्टर इज समथिंग लॉन्ग एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेक ओनली इन वन वीडियो. ओके, आई विल मीट यू सून इन योर नेक्स्ट विद योर नेक्स्ट वीडियो विद योर बुक वर्क एंड द रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर विद ग्रीन थम्स. ओके, सो स्टूडेंट्स एंजॉय दिस चैप्टर एंड underline the difficult words and read it properly. Okay, thank you.